देखो जी, ज़िंदगी में एक उसूल है मेरा, ठीक है, कि नाराज़ किसी को नहीं करना चाहिए। अगर वेज रेसिपी बना रहे हो और नीचे नॉनवेज वाले नॉनवेज उनको नाराज़ मत करो। अगर नॉनवेज बना रहे हो नीचे वेज वाले बोल रहे हैं वेज बनाओ उनको नाराज़ मत करो। नाराज़ किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। और पनीर लबाबदार जब मैंने बनाया था, लोगों ने कहा चिकन की रेसिपी क्यों नहीं डाली, तो उनको नाराज़ नहीं करना, इसलिए अब बनाएंगे जी चिकन लबाबदार, ठीक है। दिस इज चिकन लबाबदार विद अ डिफरेंस, नॉट योर यूजुअल चिकन लबाबदार। मतलब मज़ा आने वाला है आपको, मज़ा ना आए पैसे वापस हैं। म्यूज़िक सुनिए, सुगम संगीत के उस पार मिलिए तैयारी के साथ। चिकन वो कर लेते हैं मैरिनेट पहले, ठीक है। चिकन मैरिनेट करने के बाद बना लेंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनने के बाद चिकन ग्रेवी में डाल देंगे, उसके बाद मज़े से खाएंगे चावल या नान के साथ, वो आपकी मर्जी है। ये चिकन की जो है, ये लेग ऐसे जुड़ी होती है, देखिए सबको पता है फिर भी बता देता हूँ। ये थाई पीस है और ये ड्रमस्टिक पीस है, ठीक है। ड्रमस्टिक एंड थाई, मैं लेफ्ट के साथ राइट को जोड़ रहा हूँ। हाँ, ये देखिए। तो लेग पीस लेना है और मैं विद बोन ले रहा हूँ, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। विद बोन का फ़ायदा ये है कि टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है, बोन का अपना टेस्ट होता है, धीरे धीरे वो छोड़ती है, ठीक। मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। ये हमारी लाल हल्दी और ये हमारी थोड़ी सी पीली मिर्च, और अब हमारा बेशकीमती इंग्रेडिएंट, केसर नहीं, नींबू। दम एक एक भैया बूंद की कीमत है, खींच लीजिए। जब तक ताना ना हो तो खाना कैसे हो सकता है, बताइए। थोड़ा सा तेल, हाँ, मतलब सरसों का भी डाल सकते हैं, नहीं तो रेगुलर डाल दीजिए, बट थोड़ा डालिए ज़रूर। मैरिनेशन को मीडियम चाहिए ना कुछ, सो ऑयल इज़ द मीडियम। अभी चिकन को इस मैरिनेशन में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर दही मिला लेंगे, थोड़ा बेसन मिला लेंगे, बस, ठीक है। इस मैरिनेशन में छोड़ने का मकसद क्या है? इस मैरिनेशन में छोड़ने का मकसद ये है कि ये जो चिकन है अपना पानी छोड़े और जो फ्लेवर्स उसके कॉन्सेंट्रेट हो जाएं और मैरिनेशन पकड़ ले, बस। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने पनीर में नहीं दिखाई। लबाबदार का जो है, खासकर जब आप नॉनवेज का लबाबदार बनाएंगे तो उसका एक मसाला बनेगा, जिसमें जाएगी जावित्री, इलायची, लौंग, काला जीरा और बिल्कुल नाम भर की दालचीनी। ये लबाबदार का मसाला है, बेसिक मसाला लबाबदार का। इसमें शाह जीरा चाहे तो थोड़ा कम कर लें, एक्साइटमेंट में ज़्यादा गिर गया मेरे से। और अगर आप मटन बना रहे हैं, लबाबदार गोश्त बना रहे हैं, तो फिर इसमें आप थोड़ा सा दगड़ फूल या पत्थर का फूल जिसे हम कहते हैं वो डाल देंगे, ठीक। ये देखिए, बस ये टच किया, हल्का सा चिट 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 हुई, बस। अगर आप चाहें तो थोड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी डालूंगा, ज़्यादा नहीं, रंग खराब हो जाएगा। कम मसाला बनाए तो ऐसे नमक डाल लें उसके अंदर। नमक डालने से क्या, एक तो मॉइस्चर खींच लेता है, फ्लेवर्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, और तीसरा अगर क्वांटिटी मसाले की कम हो तो आप मिक्सी में जिसमें पीसेंगे वो क्वांटिटी बढ़ जाती है नमक डाल के, कॉमन सेंस। अब जब आपको मखनी या लबाबदार या ऐसी कोई टोमेटो बेस की ग्रेवी बनानी हो और कुछ समझ में ना आए तो 2 ले लीजिए प्याज और 5 से 6 ले लीजिए टमाटर, और उनको ऐसे मोटा मोटा काट लीजिए, ठीक है जी। टमाटर जो है वो 1/8, 1/6, ये देखिए 2 पीस, 4 पीस, 8 पीस, 5 डालते हैं रणवीर बरार, 6 डाल के क्या करेंगे। वैसे भी वो कार्डबोर्ड टोमेटो है, रंग ही रंग है, इसमें टेस्ट तो है नहीं। मैं इसको बम्बई वाला टमाटर बोलता हूँ, ये जो सब टमाटर एक जैसे दिखते हैं, कार्डबोर्ड के बक्से के अंदर रैप होके आते हैं। ये खेत वाले नहीं है, कार्डबोर्ड वाले टमाटर है। तो अगर आप बम्बई में रहते हैं और बम्बई वाला टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5, लेकिन अगर आप बम्बई में नहीं रहते, हिंदुस्तान के उन शहरों में रहते हैं जहाँ आज भी टमाटर जो है वो ताज़ा वाला, वो एकदम जूसी वाला मिलता है, तो 6। ओके जी, अब क्या बचा? अब बचा अदरक लहसुन। बेसिक रूल ये है कि कोई भी ग्रेवी या कोई भी डिश अगर ज़्यादा पकनी होती है तो उसके कट्स उतने ही मोटे रहते हैं, क्योंकि जितने लंबे समय तक वो कट्स अपना फ्लेवर छोड़ते रहेंगे, चाहे वो अदरक लहसुन हो या मीट हो या कुछ भी हो। आप चाहते हैं कि लंबे समय तक फ्लेवर्स छूटें तो कट्स को मोटा रखिए। अगर आप क्विक ग्रेवी बना रहे हैं तो कट्स को पतला रखिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। तो यहाँ पर जो है ग्रेवी बहुत लंबे समय तक पकेगी, फिर पिसेगी, इसलिए हमने अदरक लहसुन को मोटा रखा, नो रॉकेट साइंस। अभी भगवान भला करे, ये गया जी ऑयल और ये गया जी नॉट ऑयल यानी कि हमारा घी। और हमारा जैसे ही तेल घी का मिश्रण रेडी होगा, इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये देखिए, इसे कहते हैं खड़े मसाले, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये साबुत मसाले हैं, बल्कि रणवीर की रेसिपी में लिखा था कि भाई खड़े मसाले हैं, तो हमारी टीम ने हमें खड़े करके मसाले दिए। देखिए इसे कहते हैं समझदारी। तो अगर रणवीर की रेसिपी में लिखा हुआ है खड़े मसाले तो फिर खड़े मसाले यूज़ करिए, लेटे हुए साबुत मसाले मत यूज़ करिएगा, वरना जो है रेसिपी वैसी नहीं बनेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। चलो चलो हंसते खेलते जो बन जाए वो अच्छा है। हंसते खेलते के चक्कर में बड़ा कुछ बोल जाता हूँ, मैंने नोटिस किया है, फ़ायदा तो उठा लेता हूँ। कोई नहीं, घर की बात है। आपसे मजाक नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसियों से करेंगे। या जैसे ही लौंग और काली मिर्च डालें थोड़ा दूर हो जाएं प्लीज़, ये क्योंकि प्रोग्राम जो है चटकने का शुरू हो जाएगा। जिंजर गार्लिक उर्फ प्याज टमाटर। अच्छा कलर नहीं देना इसको, इसको कलर दिया तो ग्रेवी पे कलर आ जाएगा। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, अरे सब कुछ उबाल दो ना यार, ये क्या चक्कर में पड़े हो, प्याज टमाटर सब उबाल दो, उबाल के छान दो। उबाल के छान दीजिए, फिर टेस्ट नहीं आएगा, फिर मेरी तरफ मत देखिएगा। हाँ, जो भी चीज़ घी में भुनती है चाहे लो टेम्परेचर पर ही भुने, उसका जायका और उबली हुई चीज़ का जायका यहाँ का और यहाँ से भी ज़्यादा का फ़र्क डाल जाता है। ऊपर का हाथ आ रहा है क्या कैमरा पे? हाँ समझा, यहाँ वर्सेस यहाँ। ब्यूटीफुल हो गया जी। तो एक तरफ जो है हमारा मुर्गा देखिए कैसे एकदम शान से लेटा हुआ है, देखिए आप, और दूसरा जो है हमारी ग्रेवी देखिए कैसे फर्स्ट क्लास मुर्गे से मिलने के लिए तड़प रही है। बात यहाँ भी मोहब्बत की है, ठीक है ना, छोड़ना कुछ नहीं। वैसे ही हमारे टमाटरों में, मुंबई के टमाटरों में जूस नहीं होता। अब लोग बोलेंगे रणवीर आप मुंबई में रहते हैं इतने टाइम से और आप जब देखो मुंबई के टमाटरों का मजाक उड़ाते रहते हैं। इट इज़ नॉट राइट, मैं भी वही बोल रहा हूँ, दिस टमाटर इज़ नॉट राइट बट द देगी मिर्च इज़ वेरी राइट, इसलिए डाल दीजिए। और मेरा प्रिय मित्र धनिया भी। ये देखिए ये जो चीज़ है ना अभी जो हो रहा है, ये आवाज़ सुनिए, आवाज़ और जो खुशबू मुझे आ रही है, ये कभी नहीं आएगी वो उबाल के ग्रेवी बनाने में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप बाकी जगह जैसे देखते हैं वैसे उबाल के बना लीजिए, या फिर ऐसे हल्का सा भून के और एकदम शान से अपने लबाबदार का लबाब जो है वो ऊपर लेके आइए। चॉइस है आपकी, क्योंकि लबाबदार के बाद आपकी इज्जत बनेगी या बेइज्जती होगी वो भी आपको ही पता। नहीं, सबकी रेसिपी अच्छी होती है, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, हमारी नहीं है ये जिनकी रेसिपी है वो इस समय दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लखनऊ के हैं, उनका नाम है साबिर। जी हाँ, उनका लबाबदार जो था वो इतने होटलों में हमने काम किया, उनको साथ में लेके चलते थे लबाबदार के लिए, तो ये रेसिपी उनकी है। गिव द क्रेडिट वेयर द क्रेडिट इज़ ड्यू, है कि नहीं। तो ये साबिर साहब की लबाबदार रेसिपी, साबिर साहब देख रहे होंगे तो देखिए हमने रखा नहीं कुछ अपने पास, आपका था आपको वापस कर दिया, सीना जोरी नहीं कर रही। आप ये समझ लो कि अगर मीडियम साइज टमाटर है और मीडियम साइज प्याज है तो टमाटर प्याज को जोड़ लीजिए उतने काजू। काजू की ग्रेवी नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक हम मखनी बनाते हैं, लबाबदार बनाते हैं, यही करते हैं कि हम काजू डालते हैं ठोक के थिकनिंग के लिए। इट्स नॉट अ कैशू ग्रेवी, इट्स अ टोमेटो ग्रेवी, टोमेटो नीड्स टू शाइन थ्रू, ठीक है। जब तक अपनी ग्रेवी रेडी हो रही है चिकन का सेकेंड मैरिनेशन कर लेते हैं। ये क्या जी, दही। उसी मैरिनेशन में दूसरा दही गाढ़ा यानी कि ग्रीक योगर्ट अगर मिलता है वो, या टंगा हुआ इस्तेमाल करें। तीसरा और सबसे ज़रूरी, दही इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दही का मकसद सिर्फ चिकन को मैरिनेट करना ही नहीं है, बल्कि जब वो ग्रेवी में जाएगा तो ग्रेवी को भी रिचनेस देगा और गाढ़ापन देगा। बेफालतू में बेमकसद, एटलीस्ट खाने की दुनिया में कुछ नहीं होता, और अगर आप कुछ कर रहे हैं बेमकसद तो इसका मतलब वो फिर डिश को ख़राब ही कर रहा है, ठीक। भुने हुए चने का बेसन यानी कि दाल का जो दलिया होता है उसका बेसन, उससे जो हमारा दही है वो पकड़ लेगा चिकन को, अभी भी और पकने के बाद भी। ये लो जी, हो गया सेकंड मैरिनेशन। यू कुड ऑल्सो ग्रिल द चिकन इन द फर्स्ट मैरिनेशन, ओवन में पका सकते हैं, लेकिन वो दही की रिचनेस ग्रेवी में नहीं आएगी जो हमें चाहिए। दही की खटास नहीं चाहिए, रिचनेस चाहिए। खटास तो ऑलरेडी टमाटर से आ रही है, इसलिए जो दही भी इस्तेमाल करें ज़्यादा खट्टा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नाइस। देखो जी बेसिकली हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि टमाटर बराबर से गल जाए, एकदम हलवा सा बन जाए टमाटर। देखिए बन गया ना, अब हम इसको पीस सकते हैं, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, प्याज निकालिए, टमाटर निकालिए, काजू निकालिए और मसालों को पीस के यूज़ कर लीजिए। मसाले निकालिए और प्याज टमाटर काजू को पीस करके यूज़ कर लीजिए। इतना मतलब सीरियसली नहीं लेते रणवीर को। ये मेरा फेवरेट पार्ट है जी, सबका फेवरेट पार्ट होता है जब चिकन तवे पे जाके ऐसे मचलता है ना, तो सबका ही फेवरेट पार्ट है। तो ये जो ग्रेवी है हमारे सामने आ गई ग्राइंड होके, ठीक है। अब इस ग्रेवी को लगाना है तड़का, लबाब लाना है ना उसके अंदर लबाबदार का। तड़के के लिए चॉप प्याज, चॉप टमाटर, थोड़ा धनिया पाउडर, बटर और भगवान आपका भला करे देगी मिर्च, बटर बटर एंड बटर। अब यहाँ पर ना इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, प्याज को जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉफ़ी करना है, मतलब प्याज के अंदर बटर को खपाना है, धीरे धीरे प्याज को बटर में जूसी करना है। वही बस मोनोपोली है। तो देखिए प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब पारदर्शी हो जाएगा ना, तो वो बटर पीना शुरू कर देगा। बस ना देखिए दुनिया जो है कहाँ पहुँच गई है, रणवीर अभी भी प्याज को बटर ही पिला रहा है। देखिए हो गया ना पारदर्शी। अभी थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी देगी। अगर आपके पास देगी मिर्च का पाउडर नहीं है तो कोई भी रंग वाली लाल मिर्च ले लीजिए, जैसे ये कश्मीरी है ना, ये रंग वाली मिर्च है ना, रंग वाली लाल मिर्च ले लीजिए। उसको रात भर गर्म पानी में डाल के रखिए और सुबह उसका पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वो टमाटर भूनते समय और उसके बाद ये प्याज टमाटर का मसाला बनाते समय। चलो जी, अभी यहाँ पर प्याज और टमाटर को मैंने सिर्फ नरम किया है, भूना नहीं है। इसके बाद इसके अंदर डाल दी ग्रेवी, ये देखिए। ठीक है ना जी, हो गया ब्यूटीफुल। अब गया हमारा चिकन। सिर्फ चिकन नहीं जा रहा, बल्कि चिकन के सारे मैरिनेशन के मसाले जा रहे हैं, चिकन का जो स्मोकीनेस है चिकन की वो जा रही है, और दही जा रहा है। यानी कि मामला जो है अब कंप्लीट होगा। और अगर आपका चिकन थोड़ा बहुत लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हल्की स्मोकीनेस, हल्का सा वो जो चार्ड बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, हल्का सा जला हुआ वो जो फ्लेवर होता है, उससे और बेटर होती है ग्रेवी। कड़वे का अपना महत्व है खाना बनाते समय, उसको इग्नोर ना करें, ज़्यादा दूर ना लेके जाएं, लेकिन थोड़ा सा डल जाए तो उसको अप्रिशिएट करें। इसके बाद जी ये गई क्रीम। कंपलसरी नहीं है, है तो डाल दीजिए, नहीं तो मलाई भी डाल सकते हैं, नहीं तो दही ने वो काम ऑलरेडी कर दिया है जिसे हम करवाना चाहते थे। लबाबदार में उतनी क्रीम नहीं पड़ती, मखनी में क्रीम ज़्यादा पड़ती है, लबाबदार में कुछ नहीं है। बेसिकली सारा खेल जो है वो एक केचपी टोमेटो सॉस बनाने का है। और दूसरा, अगर आप बना रहे हैं और उसको अगले दिन सर्व करेंगे या शाम को सर्व करेंगे तो क्रीम बिल्कुल ना डालें। क्रीम हमेशा लास्ट मिनट में डालें, लास्ट उबाला देते समय क्रीम डालनी चाहिए, उससे पहले नहीं। ठीक है जी। कारण ये है क्रीम में मिल्क फैट्स और मिल्क सॉलिड्स दोनों ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से रैंसिडिटी या खटास, अनचाही खटास आ जाती है जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, सब बता दिया मैंने। अभी टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा नमक और अपना लबाबदार का सीक्रेट मसाला, और उससे पहले थोड़ा पानी डालता हूँ मैं। रेडी हो गया जी, ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा ग्रेवी को मैंने पतला किया है, थोड़ा सा पानी या स्टॉक डाल सकते हैं ग्रेवी पतली करने के लिए। अगर आपको चिकन के ऊपर दिखाऊँ, इतना गाढ़ापन जो है ये परफेक्ट। अब इसमें 2-3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले डालना है केवड़ा। केवड़ा ज़्यादा नहीं, पता नहीं चलना चाहिए केवड़ा पड़ा है। उसके बाद डालना है अपना वाला मसाला, लबाबदार का मसाला, जावित्री, इलायची, शाही जीरा और काली मिर्च। थोड़ा सा रंग ख़राब नहीं करना। बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी शुगर डाल रहा हूँ, आप थोड़ी हनी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केचपी करना ज़रूरी है इसको। अगर आपका प्याज जो है एकदम हाई क्वालिटी प्याज है तो आपको मीठा डालने की ज़रूरत नहीं, प्याज से ही मिठास आ जाएगी। या फिर आपके टमाटर अच्छे से एकदम एक्स्ट्रा राइप हैं, पके हुए हैं, टमाटर में खटास नहीं है तो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस खट्टा मीठा बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा। लबाबदार का मतलब ही वही होता है, बहुत लैक्टिक होता है, क्योंकि बटर है, घी है, दही है, क्रीम है, उसके साथ में खट्टे मीठे तीखे का बैलेंस होता है। खट्टा मीठा जो है वो इंग्रेडिएंट्स से आता है और तीखा जो है वो देगी से या फिर कश्मीरी मिर्च के पेस्ट से आता है। सॉस की धार देखिए, फिनिश देखिए, शाइन देखिए, ग्लेज देखिए, वेलवेटीनेस देखिए। ऐसे बेचते हैं अपना खाना, देखिए वो भी देखिए। ये लाइनों लकीरों पे मत जाइएगा, ठीक है। पका लें चिकन, एटलीस्ट 50 to 60% पका लें, बाकी ग्रेवी में पकने दें। 50 to 60% पकने से क्या होगा कि चिकन के जो फ्लेवर्स और चिकन का जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद ग्रेवी में जाके वो ड्राई नहीं होगा। ठीक, इसकी मोनोपोली बताया क्या? इसकी मोनोपोली है वो खुशबू, हल्की सी इलायची, हल्की सी जावित्री, हल्का सा शाही जीरा, हल्का सा केवड़ा आ रहा है और नहीं भी आ रहा। मेन चीज़ क्या है कि वही हमारा लबाबदार का मसाला डाल लीजिए। दूसरी चीज़, जब बनाएंगे तो इतना सा मत बनाइएगा, इतना सारा बनाइएगा, क्योंकि इसका मज़ा यारों दोस्तों के साथ बैठ के खाने में ही है। और वो शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यारों दोस्तों को भी बोलेगा सब्सक्राइब करें, ऐसे फ्री में कुछ नहीं खिलाते। थैंक यू वेरी मच मुझे झेलने के लिए और ये रेसिपीज ट्राई करने के लिए। थैंक यू।